अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं मंसूर अली खान और मैं हूं मारिया मेमन। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। नए वजीर आजम का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ के पास अक्सरियत, फिर भी जमीयत उलमाए इस्लाम, पांच आजाद अरकान, कौमी वतन पार्टी और एमक्यूएम ने हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी के अमीन फहीम और तहरीक इंसाफ के जावेद हाशमी मुकाबले पर। नून लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 13 साल 8 माह बाद आज तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे, सदर जरदारी हल्फ लेंगे। खैबर एजेंसी के हलका NH-46 के 21 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग जारी। कराची में फायरिंग से नौजवान की हलाकत का मुकदमा रेंजर्स अहलकारों के खिलाफ दर्ज, एक अहलकार को हिरासत में ले लिया गया। वाकये के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। चार माह से तनख्वाह न मिलने पर बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन का मुनफरिद एहतजाज, सिंध सेक्रेटेरिएट और सिंध असेंबली के बाहर कचरे के ढेर लगा दिए। मुल्क के तूलो अर्ज में गर्मी का राज, सुबह सुबह मुल्तान फैसलाबाद 38 जबकि लाहौर में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और चीन के वस्ती सूबे हन्नान में धुंध के बायस 56 गाड़ियां टकरा गईं, 9 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए।